कलरफुल सीन्स दिखाऊंगी और मैं उन्हें पैर कर डिफ्रेंड करूंगी। इसका आज बर्थडे है उसकी। ग्रीन है, ये पिंक है, कुछ रंग है, ग्रीन है, ब्लू है, तो मैं सब सही यूज करूंगी। तो इसको मैं स्किन पे कलर करूंगी। छोटे छोटे कलर्स मैंने तो येलो और पिंक ही रखे हुए हैं इसमें। ओके, तो इसको भी हम जोड़ देंगे। हमने इसको भी कर दिया है। ओके, तो आप ऐसे ही करें। तो उसके बाद हम लेंगे अपनी वाइटनर्स। सो मैंने इसे भी कर दिया है। सो उसी तरह आप इनटू शॉर्पनर्स को, कलर्स को, इनमें से आप कोई भी कलर्स लेकर टू सीजर्स को, टू ब्रशेस को, टू स्केल्स को एंड टू पेंसिल्स को एंड दिस इज माई सीजर। सो टू सीजर्स को आप इन सारों को इसी तरह कर सकते हैं। अब जैसे ये है तो ये सिंगल है, तो हम इसको विदाउट किसी के साथ स्टिच करके रख सकते हैं। ओके, सो हम इन सारों को अभी स्टिच कर देते हैं। ओके, सो मैंने इन सबको जोड़ दिया है। ये देखिए, मेरे शॉर्पनर, मेरे कलर्स, मेरे पेन, मेरे वाइटनर, मेरे स्मॉल कलर, माई क्रियॉन्स, माई सीजर्स, माई पेंसिल्स, एवरीथिंग इज हियर। सो इन्हीं सब में मेरी टेप भी ख़त्म हो गई। तो अब हम इसको मेरी फ्रेंड के लिए पैक करना चाहेंगे, तो पैकिंग के लिए हम एक पॉलीथीन ले लेते हैं। सो इसी के साथ मेरे पास एक ये था कागज़ है ये। सो आप सोचेंगे कि इसके अंदर डाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका ये साइड वाला पोर्शन खुलता है, तो मैं इसको खोल देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें सामान, माय सारा कुछ स्टेशनरी डालकर। सो ये देखो, मैंने इसे खोल कर इसके अंदर ये सब कुछ डाल दिया है। अब मैं इसको पैकिंग करूँगी। ये देखो, मैंने इसकी पैकिंग कर दिया है। ये फुल पैकिंग लग रहा है, अब जैसे मैंने इसको ख़रीदा हो। सो इसके ऊपर अब हम रेट लिख देते हैं कि किसी को पता ना लगे कि हमने ये खुद बनाया है। ओके, सो मैंने ब्राउन कलर ले लिया है। हम इसके कितने रुपीज़ लिखे वैसे? इसके हम 350 रख देते हैं, वैसे लिख ही नहीं जा रहा है। चलो देखिए, 350 रुपीज़ का है ये। तो आप इसको एक पॉलीथीन में डाल के पैक करके दे सकते हैं।